बार दोनों सुधरते हैं, इसलिए उसका कारक बुध बताया है। तो इस समय बुध आपके छठवें स्थान पर इस सप्ताह में होने वाले हैं। व्यापार में थोड़ी रुकावटें आ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ विवाद हो सकते हैं, इससे सजग रहना चाहिए। और शुक्रदेव जो मीन राशि पर उच्च राशि के चल रहे हैं, आपकी राशि से सप्तम भाव में होने से बहुत ही अच्छा पत्नी का सुख व सहयोग, स्त्री जाति का सुख व सहयोग व दैनिक आय की गति का अच्छा होना, यात्रा में अच्छे कार्य, यात्रा में आप जा रहे हैं, यात्रा में कोई अच्छे प्रसंग बन जाए, लाभान्वित आपकी यात्रा होगी, कहीं तीर्थ यात्रा जाएं अथवा कोई अपने व्यवहारिक यात्रा में जाएं, तो भी आपको ये लाभदायक सिद्ध, ये यात्रा का समय अनुकूल रहेगा। इस प्रकार से शुक्रदेव उच्च राशि के हैं, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। सूर्य भी जो है सो आपकी आपकी राशि से कहाँ है, सूर्यदेव जो है वो सप्तम है, सप्तम सूर्य थोड़े हानिकारक होते हैं, थोड़ा इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना है, बाकी सब ठीक रहेगा। मंगल देव और राहु देव और वृषभ राशि पे चल रहे हैं, तो नवमे भाग्य वृद्धि चय, मतलब भाग्य स्थान पे दोनों चल रहे हैं, राहु और मंगल। भाग्य में जब मंगल चलते हैं तो भूमि संबंधी कार्य आपके लिए भाग्य से अच्छे अनुकूल वातावरण तैयार होगा, और राहु ये भाग्य में चल रहे हैं तो भाग्य को थोड़े तो तोड़ मरोड़ करके गुप्त रूप से भाग्य का विकास करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से तो हानि दिखेगी लेकिन गुप्त रूप से आपके भाग्य का विकास करने वाले रहेंगे इस सप्ताह में। तो शनिदेव की स्थिति क्या है, शनिदेव जो है वो आपके मकर राशि पर चल रहे हैं, और कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर पंचम भाव पे, शनि पंचम भाव पे गुरु, ये दोनों चल रहे हैं। पंचम गुरु क्या कर रहे हैं, पंचम शनि क्या कर रहे हैं, पंचम शनि जहाँ बैठते वहाँ पूर्ति करते हैं, संतान के लिए श्रेष्ठ फलदायक हैं, लेकिन पत्नी के लिए ठीक नहीं है। इस समय पत्नी से विवाद हो सकता है, उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, और बड़े भाई बहन आचार्य ये गड़बड़ हो सकता है। साथ साथ में जब सप्तम हो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के प्रति भी सदा सजग रहना है, और आपको भवन भूमि वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं जो चल रही हैं उसमें थोड़ा घाटा हो सकता है, कुछ मकान से संबंधित परेशानी आ सकती है। इस प्रकार से कन्या लग्न राशि वालों के लिए ये ग्रहों का बताया। चंद्रदेव की स्थिति क्या है, चंद्रदेव जो है सो कन्या राशि पर चल रहे हैं, और आपकी राशि कन्या है, इसलिए आद्याश्चंद्रश्रिय कुरियात, यानी 28 और 29 दोनों तारीखों को चंद्रमा बहुत मंगलमय बीतने वाले हैं। इस समय आपको धन लक्ष्मी प्राप्त होने का शुभ संकेत मिल जाएंगे, और 30 और 31 तारीख को द्वितीय संपत्ति उत्तमाम, उस समय भी संपत्ति का समय है, उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होने के साथ साथ मन में एक प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जब प्राप्त होती है तो प्रसन्नता अपने आप आती है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए टका धर्मम टका कर्मम टका कर्मम सर्वम सुखम, और यस्य सविधे न टका नास्ति हा टका टक टकायते, जिसके पास टका नहीं है, पैसा नहीं है, वो टकटका है, यानी टकटका यानी दूसरों की तरफ देखता रहता है, इसलिए धन के बिना कुछ भी नहीं होता है, धन ही लक्ष्मी है। वो आपके लिए 28, 29, 30 और 31 ये लगातार ये धन अच्छा प्राप्त होने वाला है, और 1 और 2 को भी जो है सो बहुत ही अच्छा धन मिलेगा, लेकिन 3 तारीख को केवल धन से संबंधित कुछ परेशानी भी आएगी, कुछ नुकसान भी हो सकता है, और कुछ मन में खिन्नता भी आ सकती है। इस प्रकार से आपके कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह जैसे मैंने आपको पूर्ण रूपेण बनकर, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपको अच्छा अच्छा फल, हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस,
या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।